फाइनली इंडिया अब चाइना को माउंटेन वॉरफेयर में टक्कर दे पाएगा, और उसका रीजन है ये लेटेस्ट अपडेट जो प्रोजेक्ट जोरावर को लेकर आ रही है। प्रोजेक्ट जोरावर के अंडर इंडिया को अपने ऐसे लाइट टैंक्स डेवलप करने थे जो चाइनीज टाइप 15 टैंक्स का मुकाबला कर सके। इनिशियली ये प्रोजेक्ट डिले हुआ था क्योंकि हमें जो टैंक्स में लगने वाले इंजन जर्मनी से मिलने वाले थे उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए जर्मनी ने क्लियरेंस नहीं दिया, और फिर इवेंचुअली हमें अमेरिकन इंजन के साथ आगे बढ़ना पड़ा। बट इसमें अच्छी बात यह है कि इस मंथ के एंड तक ये ट्रायल्स के लिए रेडी होंगे, जिसके बाद इसे पहले डेजर्ट एरियाज में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद लद्दाख और सिक्किम के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। अब इससे जुड़ी दूसरी अपडेट है जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी जर्मन इंजन मैन्युफैक्चरर्स को उनके इंजन इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए जिस क्लियरेंस की जरूरत थी वो उन्हें उनकी गवर्नमेंट से मिल चुकी है। देखिए, यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक, और वो ये है कि आप किसी पर भी रिलाई नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट को इतने समय तक रोकने के बाद फाइनली क्लियरेंस दिया जाता है, और वो भी तब जब आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी इंजन के लिए किसी और वेंडर्स को चुन चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए।